नंबर 129। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अपन को सबसे पहले इसमें एक पैटर्न टाइप का ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर अपन F39 और F120 का रिलेशन देखें तो 2 - 1/20 जो होता है वो F39/20 होता है, ठीक है। तो ये तो अपन को रिलेशन मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सबसे पहले FX तो अपन को पता ही है क्या है, FX अपन को पता है क्या है, 5 की पावर x / 5 + 5 की पावर x। अपना एक रिलेशन क्या आया था कि x और इसमें किसका रिलेशन है, F2 - x का। तो अपन एक काम करते हैं F2 - x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 - x / 5 + 5 की पावर 2 - x। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, 5 की पावर 2 / 5 की पावर x * 5 + 5 की पावर 2 / 5 की पावर x। सिंपल ऐसे लिखेंगे आइडेंटिटी लगा के, माइनस का मतलब होता है डिवाइड करना, ये ऐसे हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर 25 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5 की पावर x / 5 × 5 की पावर x + 25। सिंपल है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों में से 5 कॉमन ले ले रहे हैं, तो ऊपर जाएगा 5 × 5, नीचे अपन ने 5 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 5 की पावर x + 5। इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 / 5 की पावर x + 5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि fx और f2 - x को ऐड करते हैं, तो fx + f2 - x देखो क्या आ रहा है, यह आ रहा है 5 / 5 की पावर x + 5 + 5 की पावर x / 5 + 5 की पावर x। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 5 की पावर x / 5 + 5 की पावर x। तो ये कैंसिल आउट होके आ गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पे, देखो ये 1/20 है, 1/20 प्लस F39/20 1 हो जाएगा। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, 19 पेयर बनेंगे। देखो कैसे, वन एक मिनट नीचे बताता हूँ आपको, 1 का 39 के साथ, 2 का 38 के साथ, 3 का 37 के साथ, ऐसे डॉट 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 करते करते 19 का पेयर बन जाएगा किसके साथ, 21 के साथ, पर 20 अकेला रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपन को F20/20 दैट मीन्स F1 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऐसे 19 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो अपन को इसका आंसर देखो कैसे, पहले अपन F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर 1 + 5 + 5 की पावर 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो अब अपना आंसर क्या होगा, अपना जो उनका जो समेशन पूछा था वो समेशन कैसे होगा, ये होगा ऐसे 5 1/20 + F39/20, ये बन गया एक पेयर, ठीक है। ऐसे 19 पेयर हैं अपने पास, देखो 337 से लेके 1921 तक, और F20/20 तो अलग बच गया था, तो उसकी वैल्यू 1/2। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 × 19 + इसकी वैल्यू है 1/2, तो 19 + 1/2 क्या होता है, 19 + 30 है, 39/2 आंसर हो जाएगा अपना, 39/2 ऐसा ऑप्शन है अपने पास, 39/2, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।